जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई एम बैक विद न्यू वीडियो। यार एक हफ्ते के बाद आज मैं फ्री हुआ हूँ और आज दोबारा वीडियो बनाने लगे हैं। सैटरडे का दिन है और दोस्तों के साथ प्लान बन रहा है आज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का। तो आज आपको दिखाएंगे कि हमारी वीकेंड की क्या रूटीन है और हम वीकेंड पे क्या कुछ करते हैं। तो मेरे साथ तला भाई और मनान भाई हैं, वो पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे ना। तो अभी मैं पहले जा रहा हूँ घर, घर पे मैंने कुछ चीज़ें लेनी है वो लेते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे और मेरा एक फ्रेंड है जवाद, उसकी तरफ जाएंगे। वहाँ पे बैठ के आपको दिखाएंगे कि हमारा वीकेंड्स पे क्या शेड्यूल होता है, आप लोग इंजॉय करेंगे आज हमारा वीकेंड। तो आपसे मिलता हूँ फिर मैं जवाद के घर। देखे हैं तला भाई और मनान भाई जा रहे हैं बाइक राइड इंजॉय करते हुए। ये अपनी बाइक खड़ी करेंगे और फिर हम एक ही गाड़ी पे बैठ के जाएंगे जवाब की तरफ। A few moments later. तो जी फाइनली मैंने इन दोनों को पिक कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं हमारा स्क्वाड पूरा करने के लिए, हमारी गबरू स्क्वाड पूरा करने के लिए। हमारी टीम का कैप्टन एसन, उसको पिक करने के लिए जा रहे हैं। लेट टू प्लेयर। अच्छा ये अभी हम बात कर रहे हैं पबजी स्क्वाड के बारे में ना। हम चार बंदे मिलके आपस में पबजी भी खेलते हैं, शायद हो सकता है इस व्लॉग में आपको उसकी भी एक झलक देखने को मिल जाए। और इसमें आपके साथ पूरी आज सैटरडे नाइट शेयर करेंगे कि जैसे हमारा वीकेंड गुजरता है। अभी हम यहाँ से निकले हैं, जा रहे हैं गुलबर्ग और वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे सिस्टम सैटरडे नाइट का। क्या बोला तूने? तो जी 20 मिनट के इंतज़ार के बाद ये हमारा कैप्टन एसन बिलाल हमारे साथ आ गया है। लेट टू प्लेयर आ गया। और ये लेट टू प्लेयर क्यों है इसके बारे में आपको तफसीलन एक वीडियो में बताया जाएगा, बल्कि दिखाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री है, इस पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। तो चले अब चलते हैं हम आगे जवाद की तरफ। वो भी बेचारा बड़ी देर से कलप रहा है हमसे मिलने के लिए, तो उसका कल्पना बंद किया जाए और उससे मिला जाए। तो जी हम पहुंच चुके हैं जवाद भाई के घर, अभी नॉक करेंगे और इनको बुलाएंगे बाहर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप सुनाएं? ठीक ठाक है, मैं शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। सर शुक्र है जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आइए बैठे। फिट फाट आप बताओ? ठीक ठाक है, फिट फाट है, बहुत अच्छे। तो ये है जी शजेब भाई, ये हमें शीशा बनाना दिखाएंगे आज। ये शीशा कैसे बनाते हैं? अच्छा ये क्या, इसका फ्लेवर है? ये फ्लेवर है मिंट। ठीक है, थोड़ी पान है। अभी आप इसको मिक्स करके लगाओगे इसके अंदर जी? ठीक है। तो ये बर्फ क्यों रखी हुई है? इसके अंदर डाल देंगे, ठंडा पानी। ओके, डाल सकते हैं वैसे इसे चेक करने के लिए। खांसी खूंसी नहीं आएगी ना उससे? ये देखें आप, ये देखें बारूद बन रहा है, बारूद मिक्स हो रहा है। ये जाएगा उसके अंदर। ये भी एक आर्ट है खाजी। अच्छा जी, हर बंदा नहीं लगा सकता। ये न्यूयॉर्क से स्पेशल इसीलिए आया। ये ज्यादा फिल नहीं होगी? चले शजेब भाई हमारे लिए बना रहे हैं शीशा। उसके बाद जवाहर भाई आज हमें क्या खिला रहे हैं? भाई आज हम आपको भटूरे खिला रहे हैं, वो जो आपने कल जगह जगह जाके इकट्ठे किए हैं। तो जारी कल जब ये चावल दोस्त इकट्ठे किए थे ना, मुझे भटूरे इकट्ठे करते ना, नहीं कोई कोई डाल होगा ना? नहीं, चावल कोई एक हो सकता है वो अपने आप ही समझ। ठीक है, नहीं बाकी भटूरे आ रहे हैं। हाँ चलो, ये तो एक मुफ्त में हमें खाने का निजाम हो गया हमारा।
तुम ऐसे क्यों बैठे हो? लेट टू प्लेयर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाह शाह साहब ये क्या लेके आए हमारे लिए? लंगर शरीफ है। लंगर शरीफ क्या है? इसको खोलो जरा। चने 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 जबरदस्त शाह जी, स्पेशल ऑर्डर पे तैयार कराए लग रहे हैं। अचार खजाना खजाना। वाह ये जल्दी जल्दी आओ यार, होली क्यों आना है? हलवा साथ ये वंडी के भटूरे। जवाहर भाई ने कल बड़ी मेहनत से ये इकट्ठे किए थे हमारे लिए। अभी तक गर्म है, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। थैंक यू शाह जी, अब आप जा सकते हैं। ठीक है। नहीं अच्छा जी, 45 भटूरे इन चार शख्स ने खा लिए हैं। पांचवा ये है। टोटल 45 थे खाए गए हैं। बड़े शरारती वादा भटूरा मेरे से बड़ा। उसके बाद ये दोबारा 25 भटूरे आए हैं। अभी देखते हैं कितनी देर में खत्म करेंगे। ये टाइम नोट कर लें, मुझे लगता है 5 मिनट में ये 25 भटूरे खत्म हो जाएंगे। चलें जी स्टार्ट। ये देखें टाइम और ये देखें खाने का हाल। 45 प्लस 25 भटूरे ये खा गया अकेले ही आदिवासी। और ये देखें शाह जी के पेड़ से अंदाजा लगाए इन्होंने कैसा उधम मचाया होगा। अब दोबारा एक दफा कर दो मजेदार। बताएं आप जो इसके बारे में बता रहे थे स्टोरी। दो दिन पहले श्यारपुर से वापस आ रहा हूँ, मोटरवे पे चढ़ा हूँ तो आगे से इसकी गाड़ी जा रही है। श्यारपुर आगे 511 ना गाड़ी देखी हुई है। मैं 140 की स्पीड पे आगे इसको ओवरटेक किया है। ओवरटेक करके मैंने डबल इंडिकेटर लगाया था कि इसको मैं जो है ना स्पीड कंट्रोल करूँ इसकी। इसने ये किया 160 में मुझे ओवरटेक करके इसने रेस लगा ली। क्यों भाई? भाई वो इसने ना पीछे से आगे डिपर मारे। तूने कहा कि पुरानी कल्टस न्यू कल्टस की रेस हो जाए। और नहीं भाई, सियालकोट मोटरवे खतरनाक खतरे की लामत है। वो सियालकोट मोटरवे नहीं थी, वो औरत थी जिसके साथ वो हादसा पेश आया था। तुम अपना वजूद नहीं, कोई भी पठान ही हो सकता है गाड़ी से। ये डर गया। तो यार ये शजेब भाई हमारे लिए शीशा बना के ले आए। आज फर्स्ट टाइम हम शीशा ट्राई करेंगे कि देखेंगे ये क्या चीज है। हंस रहे हो? आपने सही कहा ना, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हाँ तो यार मजाक कर रहे। नहीं नहीं ट्राई तो करेंगे, क्या है क्या ये? आज का शीशा ट्राई करेंगे फर्स्ट टाइम। नहीं नहीं, मेरा ये जिंदगी में फर्स्ट एक्सपीरियंस है। दिखाओ ये क्या चीज है ये। बकवास चीज ही है कोई। राणा साहब आप तो कह रहे थे मैं पहली दफा पी रहा हूँ। यार मैं कहता हूँ सीखने की जो हिस्सा ना वो आप जैसी होनी चाहिए। फौरन एक मिनट में सीख गए? मैंने फुल मेहनत से दिलो जान लगा कि ये हुनर अभी सीखा है। अच्छा, और मैं इसको आजमाने लगा। अच्छा, मैं देखता हूँ आप कितना को आजमा रहे हैं इसको। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने का, ठीक है। जब ये बारूद तैयार हो जाए तो ये ऐसे चिलम में भरने का, ऊपर पेपर लगाने का और फूकने का। राणा साहब ये आपको देख के मुझे लग रहा है वो जो पहले वाले साहब गए हैं वो आपके शागिर्द थे। नहीं, वो बड़ा अच्छा लड़का था, मुझे भी अच्छे तरीके से बता के गया। वीडियो में बाद में कैसा अच्छा तरीके से वो बता के गया कि उसको खुद को नहीं आ रहा था इस तरह। ये देखिए ये लाशें ढेर हो चुकी हैं खाना खाने के बाद और ये साहब कोशिश कर रहे हैं। जी बना पहली दफा रहे हैं। वो शरीफ़ ने कहा था कि वो काम करने के बाद इसको आग लगा देने का। इसका अच्छा, अब आपको ये भी पता था कि सिलेंडर इधर पड़ा ही है तो शहदेव भाई ने आपको बताया ही नहीं। मैंने चंद लम्हे पहले देखा था ना, सब कुछ करने
तो पहले तो मेरे ख्याल में उन्होंने इस चूल्हे पे नहीं गर्म किए, उस टाइम तक गैस आती है ना 10 बजे के बाद। मांजो मांजो ताड़ा शागिर्द सी मांजो। इसकी भी चलेगी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई पहली दफा लगा रहा होता ना उसका, उसने इसका फ्लेम इतना हैवी करना था ना, उसने कहना था लो इन्हें साड़ी दे। हाइजेनिक शीशा। अब ये देख रहे हैं, ये उसने जो लगाया ये सड़ गया है, जबकि कोयले भी पूरे नहीं सड़े। अब देखें आप लगाएंगे तो हल्का सा भी फ्लेवर नहीं सड़ेगा। ये होती है उस्तादों और शिगिर्दों की डिफरेंस। हाँ ठीक है, ठीक जवाद भाई हमें अब यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। तो जी अब होने लगा है पबजी चैलेंज। अब ये गबरू स्क्वाड आपस में बैठ गया है और ये जो भी चिकन डिनर कराएगा, जिसके सबसे ज़्यादा किल होंगे उसको इनाम मिला जाएगा। बाकी तीनों मिलके उसके लिए अच्छा सा खाना प्लान करेंगे, वो होगा असली चिकन डिनर। तो जी अभी हो गया टाइम वापसी का, आज की खज्जल खवारी बस इतनी ही थी। अभी एंड पे पबजी खेलने लगे थे लेकिन लाइट चली गई, फिर हमारी भी बैटरी डाउन हो गई। अब निकल रहे हैं वापस, इन सारों को जहाँ जहाँ से पिक किया था इनके पिंजरों में वापस ड्रॉप करेंगे और चलेंगे घर। घर जाके आराम करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।